आपके पास जो बात को मैं लेके आना चाहता हूँ, मैन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कंक्लूजन, वो ये है कि मुझे याद है कि लास्ट टाइम आप जब प्रोग्राम में आई थे आपने कहा था कि हिंदुस्तान की प्रेजेंस अफगानिस्तान में इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न और उससे इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान में हो रही है। अब मुझे ये समझाइए कि अभी मैंने आपकी स्टेटमेंट प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी कहा था कि यू वेलकम्ड एक्चुअली पाकिस्तान विदड्रॉल ऑफ अपोजिशन टूवर्ड्स इंडियाज इंक्लूजन इन टू दिस समिट। आई थिंक पाकिस्तान की वेरी क्लियरली पोजिशन थी पिछले जो 3-4 सालों में, हमारे बहुत कंसर्न्स थी जिसको हमने आई थिंक शर्मुल शेख में हमने शेयर भी किया, ऐसे हमने डॉक्यूमेंट्स और ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी हमने शेयर किया विद मनमोहन साहब कि जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन और प्रॉब्लम्स क्रॉस बॉर्डर इंडियन सपोर्ट टू सर्टन एलिमेंट्स हो रही थी जिसमें जिनकी हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स थी। और दूसरा एलिमेंट डॉक्यूमेंट बता सकती है क्या था जी? अब वो छोड़िए वो बात, वो उन्होंने उसी के बाद उन्होंने मनमोहन साहब सिंह ने निकल के खड़े होकर ये माना था कि हम बलोचिस्तान वाला एंगल जो है शर्मुल शेख के उसमें था, डिक्लेरेशन था। बिल्कुल वही मैं आपको इशारा कर रही हूँ, वो जो डॉक्यूमेंट दिखाएंगी मैं तो वहाँ पे थी नहीं कि मैंने देखी होंगी क्या अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरी थोड़ी सी इंटरेक्शन इंडियन से होती रहेगी। तो वो कहते हैं कि जी दो चीजें इन्होंने जो हमें दिया, एक पासपोर्ट का हमने नंबर मांगा, मान रहे हैं बहुत सारे सीरियस कमेंटेटर्स जो है उनके जो आर्टिकल्स आ रहे हैं तो वो उनकी इन्वॉल्वमेंट। आई वाज टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो इश्यूज थे ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, हमारे इश्यूज जो थे सिक्योरिटी कंसर्न्स के, वो कुछ हद तक जब हमारे प्रेसिडेंट कारजाई और कारजाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ इम्प्रूवमेंट हुई है रिलेशनशिप में, वो उन्होंने काफ़ी कोशिश करके उनको हटाया। जैसे अमरुल्ला साले का इंटीरियर मिनिस्ट्री जो थी और NDS जो है उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है काबुल की, उसमें इंडियन बहुत डीप पेनिट्रेशन थी और वो जो चंद लोग थे जो उसको लीड कर रहे थे उसकी पाकिस्तान को बहुत सिक्योरिटी कंसर्न थी। कारजाई ने पिछले साल उन सबको शुरू साल में उनको पूरी वहाँ पे री ओवरहॉल किया, वो चेंज किए गए और ऐसे लोगों को लाया गया जिनको जो हमारे लिए न्यूट्रल है। एक तो इस चीज़ से पाकिस्तान की जो है सेंसिटिविटीज़ बेहतर हुई हैं, दूसरी फिर आई थिंक वी हैव काइंड ऑफ रीच ऑन दिस इशू टू द अमेरिकन्स आल्सो कि आप इसको ज़रा कंट्रोल करें, ये देखें यहाँ से क्या हो रहा है। के फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जीरो सम गेम है या नहीं? नहीं, आई थिंक होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी तक तो हालात ठीक नहीं थे, होनी नहीं चाहिए। हर मुल्क का ये तो एक उसकी राइट होती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम कन्वर्जन ये भी नहीं चाहते, लेकिन ये भी जरूर है, हमें समझना चाहिए कि हम ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में कोई इस किस्म की एक्टिविटी हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो, मफाद के लिए हार्मफुल। और लेकिन दूसरी जो एक चीज मुझे क्लैरिफाई करने दे, दूसरी जो हमारी पोजीशन थी पहले कि हम इंडिया से अफगानिस्तान के बारे में बात नहीं करना चाहते थे या उनको नहीं चाहते थे कि उनकी शमूलियत हो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे, रीजनल प्लेटफॉर्म जो हो, वो इस पे बेस था क्योंकि इंडियंस हमारे साथ किसी किस्म का डायलॉग तैयार करने को स्टार्ट करने को तैयार नहीं अब थे। यहाँ से अगर हम बाकी इश्यूज जैसे सियाचिन है और जैसे सर क्रीक है और जैसे वाटर प्रॉब्लम इंडिया के साथ डिस्कस कर सकते हैं तो अफगानिस्तान कैन आल्सो बिकम वन ऑफ द वेरियस जो बास्केट ऑफ इश्यूज, उनमें से एक अफगानिस्तान भी हो सकता है जिसपे हम बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप फाइनल कोई दो चार वर्ड्स बोलना चाहें फिर मैंने कंक्लूड किस चीज़ के अफगानिस्तान पे ही मैं करना चाहूँगा। डेविड कैमरून के बारे में तो आपने कह दिया कि वो हल्के से आदमी हैं और उनको कुछ पता नहीं है। क्लैरिटी गालिबन पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान के हवाले से नहीं है, देन सिंबल ने उसको एक्सप्लेन किया एंड आई स्टैंड करेक्टेड एंड आई मस्ट एडमिट के आई नाउ अंडरस्टैंड बेटर कि सिंबल क्या कह रही है। क्योंकि मुझे अब वो दिन याद आ रहा है जिस दिन सुबह तक जनरल कियानी हमें बिठाए रखा उन्होंने 4 घंटे और हमें प्रोफेसर की तरह लेक्चर देते रहे अफगानिस्तान पे, जा रहा पाकिस्तानी मीडिया ऑर्डर ने बिठाया हुआ था। उन्होंने बारह यही कहा कि हमें एक स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए, हमने अमेरिकन्स को ये बारह बताया कि हमें स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए। क्वेश्चन है कि स्टेबल अफगानिस्तान कैसे पैदा होगा, वहाँ जाके डिफेंसेस हो जाते हैं। अमेरिकन्स ये समझते हैं कि वो जिस तरह से सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं उससे स्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान का व्यू ये है कि स्टेबिलिटी के लिए एक तो जो मेजर डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है पश्तूनस, उनको ड्यू शेयर आपको देना पड़ेगा। सेकेंडली अफगानिस्तान के अंदर तमाम मुल्कों का जो असर रसूख है उसके नेबर्स के लिए अफगानिस्तान शुड बी न्यूट्रल। उसमें पाकिस्तान का इशारा क्लियरली है कि ईरान को भी इनसिक्योरिटी ना हो, इंडिया को भी नहीं हो और हमें भी ना हो। और पाकिस्तान ये महसूस करता है कि इंडिया को जैसा रोल दिया जाता है अफगानिस्तान में उससे पाकिस्तान खतरा महसूस करता है, जिसके जेन्युइन रीजंस हैं। आखिर 1971 में हमारे साथ क्या हुआ, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में क्या हुआ, सिंध की इंसर्जेंसी में हमें 80s में हमें खतरा था कि फॉरेन हैंड इन्वॉल्व्ड है। तो हम डरते बहुत है, राइट सर, हर कंट्री डरता है। अच्छा, हर कंट्री डरते हैं, डर डर के हम वजीर आजम को फांसी पे लगा देते हैं। अच्छा डॉक्टर मुईद साहब, मिसाइल लगाया कि अमेरिका डर गया, टाइम खत्म हो गया, अगर आप इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
تشریف لانے کا سمبل خان صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا خواتین و حضرات آپ نے آج کا پروگرام دیکھا بات یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں فورن ڈگنیٹریز آئیں خاص طور پہ گورے آتے ہیں جو یورپ سے آتے ہیں امریکہ سے آتے ہیں تو ان کا فوکس پاکستان سے زیادہ افغانستان ہوتا ہے شاید اس وقت ضروری ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور پاکستان کی باقی پاورز دیٹ بی وہ سارے مل کے بیٹھ کے ایک پوائنٹ آف ویو بنا لیں اور جس کے اوپر وہ آگے امپلیمنٹ کرا سکے تاکہ پاکستان کی انٹرسٹ کم از کم پاکستان کی عوام کو بھی سمجھ میں آئے اور پاکستان پھر نیگوشیٹ بھی کر سکے انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ کہ ہمیں چاہیے کیا ریجن میں. یہ تھا آج کا پروگرام, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.